इंटेक्स एक्सो 4G प्लस, इसे फुल हार्ड रीसेट करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, बहुत आसान तरीका है। नॉर्मल सेट में क्या होता है कि आप पावर बटन और वैल्यूम आपको प्रेस करते हैं तो आपका हार्ड रीसेट हो जाता है, पर इसमें ये नए फीचर्स का फ़ोन है इंटेक्स का, इसे हार्ड रीसेट करने के लिए एक नया तरीका है, वो मैं तरीका आपको बताऊंगा। देखेंगे ये पावर बटन इसका ऊपर है और ये साइड में ऊपर अप एंड नीचे डाउन, तो आपको हार्ड रीसेट करने के लिए ये अप बटन एंड पावर बटन लॉन्ग प्रेस करेंगे पहले। मैंने फ़ोन ऑन रखा है, इसमें स्विच ऑफ कर लेता हूँ। ये स्विच ऑफ पहले करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट, देन पावर एंड वैल्यूम अप, फ्यू सेकेंड आप प्रेस करेंगे, फ़ोन रिलीज करेंगे। आप देख रहेंगे कि स्क्रीन पर आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अब इसे आपको अगर फॉर्मेट करना है नॉर्मली, आप इसको टच करेंगे देखें कुछ होगा नहीं, आपका वॉल्यूम अप डाउन कुछ भी करते हैं तो ये फंक्शन आपका काम नहीं करता। तो देन आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन एंड बूट मेनू, आपको पहले पावर बटन डाउन बटन एंड अप बटन करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। आप उसको अब सेलेक्ट करिए, आपको वाइप डाटा फैक्ट्री करना है। अगर आपको अपना बैकअप डाटा का बैकअप बनाना तो यहाँ पे लिखा हुआ बैकअप यूजर डाटा, बैकअप भी बना सकते हैं, नहीं तो आप अपना वाइप डाटा कर लीजिए। वॉल्यूम डाउन ये वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट 1 2 3 4 5, पांचवें अटेम्प्ट में आपको फैक्ट्री करना है। देन पावर बटन, फिर डाउन, फिर देन पावर बटन एंड फुल फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन। सिस्टम को रिबूट कर दीजिए।